ये मेरे हाथों की मेहंदी है कि हम अपना मेकअप ट्यूटोरियल आपको दे जी। तो ये सारे हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का डब्बा है। अच्छा लग लिया ऑन ब्यूटी। अगर नोज छोटा है तो हम उसे थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारा डे फोर्थ है करवा चौथ शॉपिंग का, और हम आप लोगों को बताएंगे कि मैं और पायल कहाँ जा रहे हैं। बट मैं आपको बताऊंगी नहीं, अभी सीधा दिखाऊंगी। तो आप लोगों को मुझे दिखाना था कि मेरी मेहंदी का रंग कैसे चढ़ा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क चढ़ा है। यहाँ पे पायल का नाम है, यहाँ पे इनका नाम है, और यहाँ पे है चीकू का नाम। तो मैंने पूरी फैमिली का नाम लिखवाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना एक का लिखवाऊं और बाकी का ना लिखवाऊं। तो मैं सबसे प्यार करती हूँ, और जरूरी नहीं होता कि आप करवा चौथ पे हस्बैंड के लिए व्रत रखते हो तो उन्हीं का नाम लिखवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों का भी लिखवा सकते हो नाम, जैसे कि मैंने लिखवाया चीकू का। तो अभी पायल आने वाली है, और जैसे ही पायल जिम से आती है तो मैं और पायल जाएंगे कहीं घूमने, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ जाएंगे। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2, और मैंने लंच कर लिया है और चीकू ने भी लंच कर लिया है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ कि कल आपको बताया था हमने कि हमारे घर में मच्छर की बारात आई है, जो कि रात को हमारे घर में जितने मच्छर आ गए थे ना तो वो तो हमने निकाल दिए थे, पर जो मच्छर अभी बालकनी में है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने मच्छर थे। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने ज्यादा मात्रा में मच्छर है जगह जगह, और मतलब फुल मच्छर ही मच्छर है हर जगह। पता है हुआ क्या था? जो पेस्टिसाइड हुआ था ना वो उस साइड हुआ था, पीछे की साइड। तो जो हमारी इधर का जो एरिया है ना बालकनी का, तो यहाँ पे सारे मच्छर आ गए, और जो पीछे वाली बालकनी है वहाँ पे कोई मच्छर नहीं था। मतलब तीन बालकनी में फुल मच्छर आ गए उधर से। तो पेस्टिसाइड के चक्कर में इतना ज़्यादा गंद मच गया कि मच्छर ही मच्छर हो गए। तो मेरी और पायल की ऑलमोस्ट शॉपिंग करवा चौथ की हो चुकी है, और सबके घर में ऐसा होता है मोस्टली कि जब तक फेस्टिवल आता नहीं है तब तक चीज़ें हमें याद रहती है कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है। तो मेरा और पायल के साथ भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है 90%। बट अभी मट्ठी और सेवियाँ और फ्रूट्स, ये सब जो मॉर्निंग में हम सरगी खाएंगे उसकी प्रिपरेशन रह गई है, जो कि हमें लेना है सामान, तो उसके लिए आज हम जाएंगे लेने के लिए। चीकू क्या लेके आए बेटा? फिश दिखाओ। ओ वाओ, चीकू बहुत सारी फिशेस लेकर आया आज, और छोटू सा एक्वेरियम लेकर आया है अपने चाचू के साथ जाकर। बहुत ही सुंदर है, पर अभी स्विच ये चल नहीं रहा इसमें, तो शायद से हम इसकी जगह चेंज करें। तो पायल आ गई है जिम से, और आते ही पायल को एक्वेरियम देखा पायल ने। तो पायल कैसा लगा एक्वेरियम? बहुत ही प्यारा लगा, मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। पापा ने पहले अब देखो इनका नाम रख देते हैं। इसका नाम तो आपने रख दिया? हाँ जी, सूजी। सूजी, हाँ जी। ठीक है, तो जो दूसरी ब्लैक वाली है इसका नाम रख देते हैं पूजी। हाँ जी। और जो उसके साथ दूसरी ब्लैक वाली है उसका नाम रख देते हैं। तो शाम के बज गए हैं 5, और आगे की बात बताएगी पायल क्योंकि मैं बहुत देर से बोल। तो मेरी मेहंदी का रंग भी बहुत चढ़ा हुआ है, जैसा कि मैंने दिखाया नहीं था आपको, अभी दिखा देती हूँ। मेरे पैर दिखा दे एक सेकंड, मैं पूरी मेहंदी पायल की दिखाती हूँ। तो ये पैरों की मेहंदी है जो कि बहुत 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 सुंदर लग रही है। मैंने अपने पैरों की मेहंदी नहीं दिखाई क्योंकि पायल को पता है क्यों नहीं दिखाई। पायल बता दे मेरे पैरों की मेहंदी। क्योंकि इसकी पैरों की मेहंदी का डिजाइन थोड़ा अगड़म झगड़म हो गया था। ये मेरे हाथों की मेहंदी है। तो नाम भी दिखा दे। नाम ये रहा संदीप गोलू चीकू। वाह। तो अभी हम करने जा रहे हैं बाथरूम पूरे क्लीन, क्योंकि बाथरूम की बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, काफी दिन से बाथरूम साफ नहीं हुए, और घर में गेस्ट भी है भैया, तो बाथरूम क्लीन होने चाहिए। तो आज हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल, जो आपकी डिमांड थी ऑन डिमांड आपका, कि हम अपना मेकअप ट्यूटोरियल आपको दे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना पूरा मेकअप जितना हमारे पास है हमने यहाँ रख लिया है, ठीक है। इस सबसे पहले सबसे जरूरी काम क्या होता है? मिरर, शीशा, जो कि हाथ में हैंडी शीशा हो ताकि आपको पता लगे आप क्या मेकअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मेकअप के लिए चाहिए होता है टोनर। हम टोनर पहले कर चुके हैं, फेस वॉश कर चुके हैं, टोनर से क्लीन कर चुके हैं। उसके बाद या तो आपके पास प्राइमर हो, और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्ट क्रीम ले सकते हैं फेस के लिए, उस पर फेस पे लगा के उसे अच्छे से मसाज करें पहले पास। तो जो सेकंड स्टेप है, सबसे पहले अभी हमने प्राइमर लगाया, जैसे कि पायल ने बताया प्राइमर लगा चुकी है, उसे 5 मिनट तक अच्छे से मसाज कर चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंसीलर लेंगे, कोई भी कंसीलर आप ले सकते हो। और जो कंसीलर होता है वो आपके शेड से एक टोन लाइटर होता है। तो अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप 2 फाउंडेशन ले सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास कंसीलर नहीं था तो हमने क्या किया था, हमने 2 फाउंडेशन लिए थे, एक शेड लाइटर है और एक शेड ये डार्कर है। तो जो लाइटर वाला है उसे हम
अपनी आईज के नीचे लगाएंगे ताकि हम उसे कंसील कर सके। और ये भी बता दे कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से पहले। जी, तो ये सारे हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का डब्बा है जिसे मतलब हमारे पास अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर है, तो जो ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज करते हैं तो उसे हम गीला करके रख लेते हैं मेकअप करने से पहले ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है फॉरएवर 21 का, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे भी देना, रुक जाता दो मिनट ये ले। तो अभी पाए का दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ हम लगाते हैं कंसीलर। तो हम क्योंकि ये पोर्शन जो होता है वो लेडीज का ज्यादातर काला होता है, ये और आईज के यहाँ काला होता है। यहाँ पे ये तो सब भी काला है हमारा सबको लगता है कि वो काले हैं, तो जो गर्ल्स होती है वो जो काला काला लगता है तो उसको कंसील कर लो। देखो, हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम आपको ब्यूटी क्लासेस दे, जैसा हम रेगुलर मेकअप करते हैं हम वैसे ही आपको दिखा रहे हैं। क्या ये देखो, हमारे पास होते हैं 4 ब्यूटी ब्लेंडर, बट सच में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, हम एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से दोनों करते हैं। पहले वो करती है तो जब तक मैं उसको देखती हूँ तो फिर मैं करती हूँ। ये ले, दे। सेकंड स्टेप तू बता दे, ब्लेंड न्यू हो। अरे वो एक साथ हो जाएगा दोनों। अच्छा, तो सेकंड स्टेप है, उसके बाद हम लेंगे अपना फाउंडेशन जो एक टोन डार्कर होगा कंसीलर से, तो मैं अभी इसे अप्लाई करने वाली हूँ। तो गर्दन पे भी लगा लेना चाहिए, नहीं तो फेस और गर्दन अलग अलग दिखती है, तो गर्दन पे भी लगा लेना चाहिए। तो जो कि हमारे पास जो फाउंडेशन है वो कौन कौन से ब्रांड के, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास शुगर के है, जो हम पर्सनली 3 से 4 साल हो गए मुझे यूज करते हुए, बहुत अच्छे लगते हैं। और क्राइलॉन की स्टिक है, क्राइलॉन की स्टिक हैवी स्टिक होती है, इसके साथ आपको कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो इसका बेस होता है वो काफी थिक होता है। तो बाकी हमारे पास कंसीलर्स है, ये आई डोंट नो कौन सी ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये। मुझे लगा क्यों लिखा लिएगा। अच्छा, लियोन ब्यूटी ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं थी, तो मजाक कर रही थी आपसे। तो ये है लियोन ब्यूटी, ये नॉर्मल ब्रांड है, तो आप यूज कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हो, हम यूज नहीं करते पर्सनली। हम इसे यूज तब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी बैकलेस कपड़े हो या कुछ भी ऐसे कपड़े हो जिसमें तुम्हारा बॉडी पार्ट दिख रहा है, तो उसको लगाने के लिए यूज करते हैं। तो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को सिर्फ डैब डैब करके यूज करना चाहिए, अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो पूरा जो फाउंडेशन आपका वो ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं लगा लिया, वो कंसीलर के बाद फाउंडेशन लगता है ना, तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, ब्लेंड करूंगी मैं, ब्लेंड करूंगी। तो अभी मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने जा रही हूँ अच्छे से, और फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद मैं बताऊंगी क्या करती हूँ। तो अब मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपना, तो ब्लेंड करने के बाद मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा लूज पाउडर लूंगी, और जो लूज पाउडर मैं यूज कर रही हूँ ये वो यूज कर रही हूँ मैं पैक कंपनी का, बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है। तो थोड़ा सा लूज पाउडर लेके, थोड़ा ज्यादा निकल गया, ओहो कितना ज्यादा निकल गया, कम लगाती हूँ ना, थोड़ा सा लूज पाउडर लेके आईज के नीचे लगा लूंगी, ताकि जो आईज के नीचे मोस्टली क्या होता है, हम सब औरतों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी, पायल के साथ भी यही होता है कि अगर हम अपना आई मेकअप जब भी करते हैं ना तो हमेशा नीचे लाइंस आती है। तो थोड़ा सा आप लूज पाउडर नीचे लगा लो और उसके बाद अपना आई मेकअप करो तो लाइंस नहीं आएंगी। तो अभी क्या है, मैंने बेकिंग कर ली है अपनी आईज के नीचे, और अभी मैं उसको थोड़ी देर रखूंगी जब तक मेरा फेस थोड़ा सेटल हो जाएगा, तो तब तक मैं करती हूँ कंटूर। तो ये मेरी कंटूर किट है जो थोड़ी सी चीकू ने खुरेद दी है, और थोड़ी तो ये हम ज्यादातर कंटूर नहीं करते हैं अपनी वीडियोस में, ये आपको हम आज मेकअप ट्यूटोरियल दे रहे हैं तो हम कंटूर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कंटूर करके दिखाती हूँ आप। तो कंटूर के लिए पहले तो आपको पाउट बनाना पड़ेगा। हाँ गोलू, एक दाना है वो कंटूर से छुप जाएगा। इससे क्या होता है, कंटूरिंग करने से हमारे जो चीक्स हैं वो भर के आते हैं। अगर नोज छोटा है तो हम उसे थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं, मोटा है तो पतला दिखा सकते हैं, तो कंटूर का यही फायदा होता है। अब जो कंटूर की एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, कभी भी आप कंटूर पाउडर लेते हैं तो हमेशा ना कंटूर पाउडर यहाँ रखना है, तो अगर आप यहाँ रखोगे ना तो वो काला काला पड़ेगा। तो हमेशा हमें अपने जो हेयर्स होते हैं, जो यहाँ पे जिसके भी हेयर्स होते हैं सबके होते हैं ऑलमोस्ट, कान के, यहाँ पे, तो यहाँ रखकर इसको
ऐसे नीचे की तरफ करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपके कमेंट्स की वजह से हम ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है आपके लिए लेके आए हैं आज, क्योंकि आप हमें इतना प्यार देते हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे मेकअप करते हैं। हम प्रोफेशनल तो नहीं है, पर जितना हमें आता है, जितना हम करते हैं, वही हम आपको सब दिखा देते हैं। तो मैंने कंटूर कर लिया है अपने दोनों गाल, तो अब इसके बाद पायल की टर्न है। तो अब हम करेंगे ब्लशर। ब्लशर को ब्रश जुड़े तो ये वाले अच्छी ब्रश है। हाँ, ये जो ब्रश है ना, ये सच कह रही हूँ मैं, हमें 4 साल हो गए, 4 साल से ये ब्रश हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये जो ब्रश है रियल टेक्निक का है और इसके जो ब्रशेस है इतने सॉफ्ट है कि ये हमारा फेवरेट ब्रश है। और इसके साथ 3 ब्रश आए थे 4000 के, 3 ब्रश अब भी पता नहीं, शायद सस्ते हो गए होंगे, तो आप ये ले सकते हो ब्लशर के लिए। ऐसा करो। हाँ, तो अभी पायल करने जा रही है ब्लशर, जो कि हमारा फेवरेट है, क्योंकि हम जब नॉर्मली मेकअप करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाया थोड़ा सा और ब्लशर किया, लिपस्टिक की, बस खत्म। तो ये हो गया मेरा ब्लशर, ठीक लग रहा है? थोड़ा सा गाल ये वाला कर, ये वाले गाल का वही देख रही थी। अब इसके बाद हम करेंगे, तो जब भी ब्लशर कर रही होती है पायल, कुछ भी कर रही होती है, तो फिर मैं पायल को देख रही होती हूँ, मेरी टर्न भी आती है, तो उसके बाद बता दें। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा इस पे हाइलाइटर, क्योंकि हाइलाइट करने से आपके चीक्स और नोज अच्छे से ब्लश करते हैं दूर से, तो वीडियोस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्या हो गया, थोड़े ज्यादा लग गया ना? इस वाले में कम है, शाम तक कम हो जाएगा। अगर ब्लशर ज्यादा हो भी जाए टेंशन मत लो, थोड़ी देर में कम हो जाता है। हाँ, ब्लश थोड़ा थोड़ा मेकअप थोड़ा डल होने लगता है ना बाद में। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप हम ना ग्लिटर से करेंगे ना आई शेडो से करेंगे। आज हमारे पास ये है ना स्टेला की स्टिक, स्टेला की स्टिक है, ये बहुत इजी टू यूज होती है, तो ये बहुत इजी है यूज करना। ये लिपस्टिक जैसी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे निकालना है बाहर और ये लेना है और ऐसे करके डैप 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 करना है, इससे आपका आई मेकअप बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें सारे कलर आते हैं, अगर आपको कलर्स मंगाने हैं तो कलर्स भी मंगा सकते हैं। और एक और चीज़ ऐसी कि हमारे पास ग्लिटर्स हैं बहुत सारी, जो ये लूज ग्लिटर्स हैं, आपको दिखाती हूँ, जो पैकेट है ना ये लूज ग्लिटर्स है, बट अभी क्या है हमारे पास ग्लू नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि मैंने चीज़ सोची थी कि हम ना इसके ऊपर ही लगा लेंगे, बट अगर मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगी तो कलर तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो ग्लू होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसके लिए हम ग्लू लेकर आएंगे, हम करवा चौथ वाले दिन मेकअप करेंगे ग्लिटर से, तो अभी हम कर रहे हैं नॉर्मल इससे। तो देखिए कितना इजी है, कोई बच्चा बच्चा भी यूज कर सकता है, और सुंदर भी तो लग रहा है कलर। तो ये कलर रोज गोल्ड है स्टेला का ना, आप भी लिख सकते हैं, इसमें सारे कलर आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइलाइटर का, मतलब आई मेकअप के बाद, बट मैंने अभी किया नहीं है, पायल ने किया है, तो हम हाइलाइटर लेंगे। जो हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है। मैंने अभी नहीं, मैं करने वाली हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हमेशा टी पॉइंट्स पे, जो आपके फेस के टी पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नोज, आप देख सकते हैं मेरा नोज शाइन कर रहे हैं, नोज हो गया, चीक्स हो गई, और जो थोड़ा सा ब्रश में रह जाए तो यहाँ पे मार लूँ तो सही लगेगा। है, तो ये हो गया मेरा हाइलाइटर कम्प्लीट। और एक और चीज, जब हाइलाइटर आपका लग जाता है तो हाइलाइटर की जो लाइनें वो अलग से नजर आती है, तो ये दीपक ने मुझे सिखाया था, मुझे भी नहीं नॉलेज थी इतनी, कि जो आपका पाउडर ब्रश होता है उससे क्या करो, हाइलाइटर को थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, ताकि जो उसकी सीधी लाइन है ना वो अलग से नजर ना आए। आप कंटूर के लिए ये मैक का भी कंटूरिंग किट यूज कर सकते हैं और इसे ब्लशर में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में आ जाएगा ये। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, ये जो आईब्रो वाली जो मेरे पास है ना, तो इससे हो गए हैं 2015 या 16 में लिया था मैंने, तो लगा लो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल हो गए हैं, और ये अनताजिया की, अनताजिया बेवरली हिल्स, ये मैंने दुबई से मंगवाई थी, तो इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है कि जो पायल ने यूज की थी ना, तो पायल को भी इतनी पसंद आई है, और जो इसकी आप देख सकते हो 6 साल के अंदर भी अभी इतनी खत्म हुई है, तो आने वाले 2 साल और चल सकती है। तो कभी भी किसी को आईब्रो के अंदर कुछ लेना हो, मतलब मैं जो मानती हूँ ये ब्रांड से अच्छी ब्रांड कोई नहीं है। तो मैं पहले यूज नहीं करती थी, जब से गोलू को मैंने देखा यूज करते हुए तब से मैं भी यूज करने लगती हूँ। और एक और चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नहीं ले सकते, जैसे नॉर्मल जो होती है ना शेड होता है, ब्लैक शेड होता है, या कोई भी आई शेडो के अंदर ब्लैक कलर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, हल्का सा ब्लैक कलर लेके उसको ब्राउन में मिक्स करके आप अपनी आईब्रो बना सकते हो। और एक और हैक मैं बताऊंगी, जो आईब्रो का कलर होता है ना वो हमारे हेयर से मैच करता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडियंस क्या करते हैं, ब्लैक आईब्रो कर लेते हैं, बट ब्लैक का फैशन नहीं है, वो जा चुका है, तो हमेशा जो आईब्रोज होती है इंडियन की वो 99% मीडियम ब्राउन कलर की होती है, जो पायल शेड यूज कर रही है, ये मीडियम ब्राउन है,
तो कभी भी आपको अगर आईब्रो का शेड लेना हो मतलब फिलिंग का तो मीडियम ब्राउन ही लो। तो देख सकते मेरी आईब्रो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये तो बेस्ट है यार, इससे अच्छा नहीं है कुछ, क्योंकि क्या है कि क्रीम बेस्ड है तो जब क्रीम बेस्ड होता है ना वो जल्दी चिपक जाता है, उससे अच्छी शेप बनती है। पर अगर नहीं है तो पाउडर बेस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। उसके बाद इस ब्रश से यूज करना चाहिए ताकि आपका जो वैक्स है, आईब्रो वैक्स जो आपने लगाया है, वो अच्छे से अंदर आईब्रो के ब्लेंड हो जाए। तो जिनकी आंखें छोटी हो उनको कोई भी जैसे व्हाइट कलर का काजल या फिर ब्लू कलर जो भी आपको पसंद हो वो आंखों के नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा लगा लेना चाहिए, उससे जो आंखें होती हैं वो थोड़ी बड़ी दिखती है। आईबॉल ये लास्ट में आंखों के कोने पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर लगाना चाहिए ताकि आई मेकअप अच्छा लगता है ना। हाँ मेरा तो आई मेकअप अभी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप हो गया कम्प्लीट। ठीक है, सही लग रहा है, मेकअप फिक्सर रह गया। हाँ वो रह गया, हाँ वो ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा मस्कारा भी यूज कर सकते हो आप, वो भी अच्छा लगता है आपके लिए। तो बिना लिपस्टिक के आपका चेहरा इनकम्प्लीट लगता है, तो लिपस्टिक लगाना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं लगाने वाली हूँ अभी लिपस्टिक और उसके बाद हम बनाएंगे वीडियो। खोलो मुंह खोल, लगा लिपस्टिक, अच्छा लगा रही हूँ। तो रात की बज गई है 8:30 और हम सबकी डिनर की प्रिपरेशन हो गई है, बस डिनर करना रह गया है। तो अभी मैं और पायल सरगी की प्रिपरेशन करके रख रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में उठ के हमें बहुत सारे काम होंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले से करके रख लेते हैं। तो मैं अभी बाहर गया हुआ था ट्रीटमेंट कराने कुछ जबरदस्त वाला, और पायल कह रही है कि आप जब घर से बाहर जाते हो तो पूरा घर खाली हो जाता है। घर बहुत खाली था, आप और चीकू नहीं थे ना घर पे, ऐसा लग रहा था बोर से मेरे तो सर में दर्द हो गया। गोली खाई उनके ब्लॉग में आजकल मैं आपको कम दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पायल और गोलू खुद से कुछ करना सीखे, ब्लॉगिंग हो या वीडियो हो या फिर कुछ भी हो, आदमी को खड़ा होना चाहिए। तो आज का सारा काम हो चुका है, अब हम सुबह सरगी की जो है तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमें टाइम लगेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।